Hello everyone, good morning, I'm Praveen Sharma. Welcome back to my channel. आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण सूत्र। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शिक्षण क्या है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक कुछ तरीके अपनाकर अपने शिक्षण को बहुत प्रभावी तथा आकर्षक बनाता है, जिसके द्वारा उसे अधिकतम परिणाम मिल सके। शिक्षण की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें अनेक प्रकार के छात्र परिस्थितियाँ, पाठ्यक्रम तथा आवश्यकताओं का समावेश होता है। इसके लिए कोई भी एक पद्धति पर प्रक्रम काफी नहीं होता। अध्यापक को छात्रों की आवश्यकता के अनुसार अपनी शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ता है, तभी वह अपेक्षित परिणाम जिसकी अपेक्षा की जाती है प्राप्त कर सकता है। शिक्षण शास्त्र का उद्गम क्योंकि शास्त्र से रिलेटेड हो जाता है, दर्शन से हुआ है। तो बहुत कहने का तात्पर्य यही है कि दर्शन से हुआ है, जहां इस बात को जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्र कैसे सीखते हैं तथा अध्यापक उन्हें सीखने में कैसे सहायता प्रदान करता है। तो इसमें शिक्षण सूत्रों की भी हेल्प ली जाती है। तो अब आइए देखते हैं हम शिक्षण सूत्रों के विषय में। कमिनियस व हर्बर्ट स्पेंसर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुभव के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम प्रतिपादित किए, जिससे शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। इन सामान्य नियमों को ही शिक्षण सूत्र कहा जाता है। शिक्षण में कुछ शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है, जिसमें पहला सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नॉन टू अननोन। इस सिद्धांत के अनुसार अथवा इस सूत्र के अनुसार संस्कृत शिक्षा या हिंदी शिक्षा या अन्य विषय के शिक्षक को पाठ प्रारंभ करने से पूर्व ये जानना आवश्यक हो जाता है कि वह जो पाठ पढ़ाने जा रहा है उसका या उस विषय में छात्र क्या जानते हैं, अर्थात उनका पूर्व ज्ञान क्या है। इस प्रकार पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करते हुए शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए और छात्र करते हैं। जैसे कि आप भी जब लेसन प्लान बना रहे होंगे, तब जो भी टॉपिक आपने लिया है, प्रकरण आपने लिया है, उससे पहले पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए नवीन ज्ञान प्रदान करते हैं। यदि प्रस्तावनात्मक प्रश्न ऐसे होते हैं सर जो कि उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और उसी के आधार पर नवीन ज्ञान यानी टॉपिक पर ले जाकर उसको प्रदान किया जाता है, यानी नवीन ज्ञान छात्रों को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं स्कूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। शिक्षण में सर्वप्रथम ऐसी वस्तु की शिक्षा दी जानी चाहिए या उस तथ्य की शिक्षा दी जानी चाहिए जिसका प्रत्यक्ष छात्र पर यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान छात्र प्राप्त कर सके। उसके बाद भाव नियम या विचार की शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी जो भी है स्कूल की से जो है सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी पाठ को पढ़ाते समय नियम बताने के बजाय पहले उसके एग्जाम्पल बताना चाहिए, उदाहरण बताने चाहिए, उसके बाद उदाहरणों के नियम स्थापित करने चाहिए। अब हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसमें ज्ञात वस्तु सरल होती है या उससे संबंधित तथ्य सरल होते हैं तथा इसी आधार पर उसको पढ़ाया जाना चाहिए, यानी सरल पाठ पहले पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे कठिन शब्द या पाठ बताए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। ये नियम साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार छात्रों को पाठ्य वस्तु पढ़ानी है, सर्वप्रथम इसका पूर्ण रूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी पाठ्य वस्तु छात्रों को पढ़ाई जानी है उसका होल रूप या फॉर्म को यानी कि छात्रों के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए।
फिर उसे छोटे छोटे अंकों में विभक्त करके स्पष्ट किया जाता है। जैसे यदि कोई कहानी बतानी है तो पहले सारांश रूप में छात्रों को कहानी बताते हैं, उसके बाद कहानी के अलग अलग अंकों की व्याख्या करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कोई भी प्रैक्टिकल मान लीजिए या कोई कहानी मान लीजिए अथवा कुछ और मान लीजिए बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उस आधार पर अगर छात्रों को प्रैक्टिकल थोड़े थोड़े अंकों में कराया जाता है तो समझ नहीं आता है। इसलिए एक अध्यापक का कर्तव्य ये हो जाता है कि पूरा एक तरह से उसका सार बता देना चाहिए कि क्या क्या किया जाना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने के बाद कार्य को परिणत कराना चाहिए। और इसमें होता क्या है कि कभी कभी कार्य का विभाजन विरुद्ध में कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, और इस पोजिशन में प्रत्येक छात्र को प्रत्येक कार्य नहीं करना होता है। लेकिन जब अध्यापक पहले से ही इस विषय में छात्रों को बता देते हैं तो उस स्थिति में छात्र पूरी बात को या पूरे तथ्य को स्पष्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे आगमन से निगमन की ओर, फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। शिक्षण में ये नियम अत्यंत उपयोगी है, प्रत्येक क्षेत्र में यानी कि शिक्षण के प्रत्येक विषय में ये उपयोगी है। इसे या इसके अनुसार तथ्यों को छात्रों तक संप्रेषित करने के लिए पहले उदाहरण बताए जाते हैं, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं, फिर उन उदाहरणों के द्वारा ही नियम स्थापित किए जाते हैं। व्याकरण शिक्षण में तो ये सूत्र बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, क्योंकि पहले जब एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और बालक काम सिलेक्ट करते हैं तो उसी आधार पर करने लगते हैं और उसी आधार पर अपना जो भी रचना आती है उसको भी ठीक प्रकार से यानी चुपता के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे विशेष अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी कि अनिश्चित यानी कि जो निश्चित नहीं है से निश्चित की ओर, अर्थात जो निश्चित है उसकी ओर। फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट, इस सूत्र का उद्देश्य छात्रों के अनिश्चित ज्ञान को सुनिश्चित करना है। प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को पहले विषय वस्तु कंठस्थ करवाई जाती है, उसके बाद कंठस्थ की गई वस्तु के ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए उसकी संरचना का ज्ञान करवाया जाता है। इससे पहले हमने एक पॉइंट और छूट गया था, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इसके विषय में आप बताएंगे। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, इस सूत्र के अनुसार नियमों तथ्यों सूत्रों व सिद्धांतों का पहले विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद संश्लेषण द्वारा पूर्ण ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि अनुवाद कार्य करते समय पहले वाक्य के प्रत्येक शब्द की जो भी अंग्रेजी में कर रहे हैं तो अंग्रेजी संस्कृत में कर रहे हैं, तो संस्कृत या अन्य किसी भाषा में उर्दू आदि में कर रहे हैं तो उस भाषा को जाना जाता है। उसके बाद पूरे वाक्य को उस भाषा में अनुवादित किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। इसके अनुसार शिक्षक पहले छात्रों के समक्ष तथ्यों घटनाओं का उदाहरण प्रस्तुत करता है और स्पष्टीकरण भी देता है, बाद में छात्रों को सामान्य निष्कर्ष निकालने को कहा जाता है। जैसे कि दीर्घ संधि पढ़ाने के लिए शिक्षक पहले दीर्घ संधि के विभिन्न उदाहरण देता है, फिर उनसे संबंधित या उनके सामान्य नियम निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ज्ञानेंद्रियों द्वारा यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ऐसा माना जाता है कि सीखने में जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है ज्ञान उतना ही अधिक स्थायी हो जाता है, यानी कि ज्ञान का जो स्थायित्व है वह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब प्रदान किया जाता है तो अधिक होता है। अर्थात यदि मान लीजिए कोई फल है, जैसे कि मान लीजिए आम है, आम के फल के बारे में शिक्षक पढ़ा रहा है, फल के बारे में शोध की वजह से ऐसा गड़बड़ हो जाता है थोड़ा, तो मान लीजिए आम के फल के बारे में शिक्षक पढ़ा रहा है, वह व्याख्यान से पढ़ाता है तो केवल श्रवण इंद्रियों का प्रयोग होगा। यदि वह आम किसी फल दिखाकर यानी फल दिखाकर शो करके अर्थात कान व आंख दोनों ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करे तो ज्ञान अधिक स्थायी होगा। इसी तरह यदि वह आम के फल को बच्चों को हाथ से छूने को देता है तो ज्ञान पहले से ज्यादा स्थायी होगा,
और यदि सुनने को और टकने को भी दिया जाए तो सबसे ज्यादा स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, यानी बालक प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात जितनी अधिक ज्ञान इंद्रियां शामिल होंगी ज्ञान उतना ही ज्यादा सरल व स्थायी होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अनुभव से तल की ओर। फ्रॉम एक्सपीरियंस रेजनल शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को उनके अनुभवों के आधार पर ध्यान दे तथा उसे तर्कसंगत बनाकर स्थायित्व प्रदान करे। इस प्रकार से आप संक्षेप में हम इस टॉपिक को समझ लेंगे, यानी कि आज का हमारा टॉपिक था शिक्षण सूत्र, जिसके विषय में हमने देखा यानी कि जो शिक्षा सूत्र विभाजित किए गए थे 10 भागों में विभाजित थे, जिसमें पहला भाग है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अर्थात इसमें क्या है, शिक्षक जो है ज्ञात से पाठ को पढ़ाना स्टार्ट करता है और अपने प्रसारण से जोड़कर नया ज्ञान प्रदान करता है। जैसे कि लेसन प्लान बनाते समय हम पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न बनाते हैं तथा अपने प्रसारण पर पहुंच जाते हैं, और जब छात्रों को उस विषय में ज्ञान नहीं होता है तो उसका ज्ञान प्रदान करते हैं। सेकंड पॉइंट हमने देखा स्कूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें स्कूल पहले बताया जाता है उसके बाद सूक्ष्मता के साथ यानी प्रत्येक पॉइंट को क्लियर करके शिक्षा दी जाती है। थर्ड पॉइंट था हमारा सरल से अंत की ओर, इसमें सरल सरल कार्य पहले कराया जाता है और अंत यानी कि उसका भी अंत यानी कि छोटे छोटे शब्द जो होते हैं कठिन शब्द बाद में बताए जाते हैं। पूर्ण से अंत की ओर इसमें पूरा पाठ पढ़ा दिया जाता है, पूरी प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया जाता है या जो भी चीज़ है उसके बारे में पूरा विस्तार से बता दिया जाता है, उसके बाद जो है कार्य को कराया जाता है यानी कि थोड़ा थोड़ा करके कार्य कराया जाता है। आगमन से निगमन की ओर ये जो है शिक्षा का नियम बहुत ही उपयोगी है, इसमें तथ्यों को छात्रों तक सुप्रसित करने के लिए पहले उदाहरण बताए जाते हैं और बाद में जो है उदाहरणों के द्वारा ही नियम स्थापित किए जाते हैं। व्याकरण शिक्षा में ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा दूसरी संश्लेषण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञानेन्द्रिय द्वारा शिक्षण तथा अनुभव से तर्क की ओर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।